धूप काफ़ी तेज़ वाली है फ्रेंड्स, मैं बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा हूँ और बाहर निकलूँगा भी इंशाल्लाह। निकलने से पहले सुरक्षा कवच भी लगा लिया जाए। मेरे बस की बात नहीं है रोज़ाना व्लॉग करना, पहले ही वाला फॉर्मेट सही था, हफ्ते या 10 दिन में एक व्लॉग डाल दो वो इनफ, क्योंकि मैं रोज़ाना व्लॉग डालूंगा तो कचड़ा आएगा और ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा तो मेरा यूट्यूब जो है ट्रैश बिन हो जाएगा। और फिलहाल मैं भी आया था राहुल के घर पे, अभी वो आने वाला है, फ़ोन किया था मैंने उसको तो अभी वो आ रहा है बाहर। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, अरे अरे साले मेरा कैमरा शेक हो रहा है। सो गाइस, कहाँ भाग रहे हो तुम यार? बाइक पास कर रहे हो? पार्क। अच्छा ये किस चीज का पेड़ है यहाँ पे? ये पेड़ से पूछना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो कि काफी फेमस है लोकली, वर्ल्ड वाइड नहीं है। मैंने यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी, ज्यादातर वीडियोस में यहीं पे आके शूट करता था जब मेरा पुराना चैनल था जो कि अब डिलीट हो चुका है। हम लोग एक बार चढ़े थे यार, हमको याद है। याद है वो वहाँ पे, वो उस जगह पे, अभी वहाँ पे भी चलेंगे। खैर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग्स है ना, जहाँ तक मैंने सुना ये स्टाफ के लिए जो पढ़ाते हैं उनके लिए बिल्डिंग्स बनी हुई है ताकि आके वो रहें। अकोमोडेशन नहीं हुआ यहाँ पे, ये खाली है, अबैंडनड है भाई। ये खाली बिल्डिंग एक बार हम लोग आए थे तो कोई भगा भी रहा था। हाँ यहाँ पे लोग चाहते हैं यहाँ ऐसा खाली रहे। हाँ ये भी बात है। बाइक उठा लिया जाए राहुल यादव जी, मैं बाइक रहने दो। पावड़े साले अकेले पैदल उतना दूर जाएंगे? देख रहे हैं आप कीचड़ है, पूरा बारिश होने की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। जब मैं 10th में था 12th में था ना तो यहाँ बहुत रोजाना फोटोशूट वगैरह होता रहता था। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ मैंने सबसे ज्यादा वीडियो शूट की हुई है और उस जगह पर बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। कहाँ से लेकर जा रहा है भाई? ऑफरोडिंग हो रहा है भाई, ऑफरोडिंग। ओह माय गॉड, आई एम होल्डिंग द कैमरा लाइक गिम्बल। गिम्बल नो, नॉट गिम्बल, GoPro। GoPro, आई एम जस्ट होल्डिंग द कैमरा। इतना हमने लगा कोई बहुत टेक्निकल वर्ड निकालेगा, निकाला तो साला कह रहा GoPro। ये है वो बिल्डिंग, दूर से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। डर लग रहा है भाई, आने में अजीब दिख रहा है। भाई तुम चलो साले, यही तो खासियत है इस जगह की, यही गायब हो गए ना साले, एडिट भी नहीं कर पाओगे। देखो ये भी बन रही है, अभी जल्दी की बनी हुई है। ओ भाई यहाँ पर मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता। साले भाग ले, ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं गाइस। खैर वो जो हमारे पीछे, वैसे हम लोग वहाँ जा सकते थे, कोई बोलता नहीं कुछ, वो नहीं, नहीं जाना किसी लेबर काम कर रहा। हाँ वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो यही वो बिल्डिंग है जहाँ मैंने काफी सारे शूट्स किए हुए हैं। हाँ बोलो बोलो, सब सब कैमरे में सुनाया जाएगा। वेबसाइट है उस पर दिखाते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क क्या चालू है। अच्छे से याद नहीं है मुझे वेबसाइट का नाम, मुझे लग रहा है वो यही पे बना है जो बना है। मैं खोज भी रहा था कि बासी में बन कहाँ रहा है ये। ओके ओके, तो ये पूरी बिल्डिंग्स काफी ऊंची ऊंची भाई, रूम वूम नहीं, यहाँ के रह सकता है? पागल है बे, रातों रात गायब हो जाएगा साले, हमारा मशवरा कोई माने ना। बंजर जमीन किसी को खरीदने में इंटरेस्ट है तो नहीं खरीद सकता है क्योंकि ये सरकारी है। नटवर लाल होता तो बेच भी देता। बॉम्बे में एक वो है, मतलब एक जगह है जुहू से थोड़ी सी दूर पे। हाँ। वो क्या बोलते हैं उसको, मड आईलैंड। अच्छा अच्छा समझ, मड आईलैंड है। उसमें तो एक मूवी में दिखाता है भाई, वो बंदों को वहाँ से दुबई भेजता है। वायर नीचे कर बे, मैंने कटे वायर से भी दुबई फोन किया था, कभी लोगों ने देख लिया था अपने को पैदल मारते 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 दुबई तक ले जाएंगे। मैं देखा हुआ हूँ, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही है वो। दुबई दुबई, उस पे वो एक कोने पे बैठाएगा और मड आइलैंड पे जाके उतार देगा, कहेगा तो देखो आ गया दुबई, दुबई आ गया दुबई। अरे ये मड आइलैंड है बाबा, मड आइलैंड बम्बई का दूसरा किनारा, तुम सभी लोग बम्बई में हो। ये देखो हमारा सोने का झाड़ू, और ये देखो सोने का झाड़ू, लोहे का झाड़ू रहता पॉलिश लगा रहा है। भाई मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वही काम स्टार्ट करूंगा। साले फ्रॉड करेगा लोगों के साथ, मजाक कर रहा है। बट क्या बढ़िया दिमाग लगाता है, देख पैसा कमाने के लिए कितना सही वो दिमाग लगाता है। साले पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना जिंदगी में, लोकेशन तो टॉप क्लास है भाई, बाइक बहुत पीछे छूट गई यार। सो गाइस कमेंट करके आप बताइए आपको ये लोकेशन कैसी लगी। अगर अलीगढ़ जाता हूँ ना वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाकर उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। भाई जिन्होंने अलीगढ़ के व्लॉग्स बनाने के लिए कमेंट किया, मैं उनको बता दूं कि अभी तो अलीगढ़ से आया हूँ, अलीगढ़ में तो व्लॉग्स बना रहा था मैं, अभी छुट्टी है, यूनिवर्सिटी बंद है तो मैं अलीगढ़ जा नहीं सकता, और वैसे भी हॉस्टल से सबको भगा रहे हैं। राहुल बोल रहा था, आइडिया दे रहा था कि हम लोग बाहर निकलते हैं, वो गोरखपुर के लिए प्लान कर रहा था, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और सख्ती कम हो तो हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। अभी कोई सख्ती है भी नहीं यार, सब निकल रहा है बाहर, बट हम लोग थोड़ा गाइडलाइंस के अंदर रहना चाह रहे हैं। अबे तुम तो बहुत बॉर्नविटा पीते थे स्कूल टाइम में। पीता था बे? हाँ साले तुम्हारे घर में गया था तो पढ़ा हुआ था, तुमसे पूछे भी थे बॉर्नविटा पी। आइला मैं बॉर्नविटा आइला जादू। ये वैसे बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, अभी कैमरे के सामने अगर उतना क्लियर भी नहीं आ रहा होगा ना, बट ये बहुत ही अच्छी मिमिक्री करता है। इसने पैसे नहीं दिए वैसे मुझे तारीफ करने के, अगर मैं कर दे रहा हूँ। गाइस आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इस टाइप के आपको व्लॉग्स रोज आना चाहिए कि आप पक रहे हो ये देख देख कर, ये सबसे जरूरी है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। कुछ दिन पहले टेस्ट कराने गया था इसका, आरटीपीसीआर कोरोना का, मेरे साथ अहद गया हुआ था, तो उसमें फॉर्म दिया
तो वो पूछा था, मतलब उसमें ऑप्शन थे अलग अलग के कि आप जैसे कहीं बाहर से आए हो या कहीं से, तो उसमें एक ऑप्शन था तबलीगी जमात हाँ कॉन्टैक्ट शायद ऐसा कुछ लिखा था, तबलीगी जमात कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो हाँ हाँ वैसे कुछ मतलब उल्टा सीधा इंग्लिश में लिखा हुआ था भाई। बहुत हंसे हम लोग ऊपर से, फिर सामने वाला जो अर्थ को देख रहा था जब उससे पूछा क्या नाम है, ऐसे भाई पक्का जमात वाला है भाई राहुल यादव, इसने चेक करवाया हुआ है, नेगेटिव है मैं भी नेगेटिव है, मेरे को ना सर्दी खांसी ना कुछ कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मत निकलो घर के अंदर ही रहो, अगर निकलना छत पे जाके टहल लो, चिड़ियों को पानी डाल दो, दाने खिला दो, बस मैं लगवा चुका हूँ वैक्सीन, लगवाओ सब। बकर बकर काफी कर लिया हम लोगों ने और हमारी बकर बकर आप लोग भी सुन के पक गए होंगे। ये खतरनाक सी अबैंडन्ड बिल्डिंग है सिर्फ आपके लिए, वाहिदन ₹5 का कार्यक्रम, ₹5 में हर माल जाके लूटेंगे हम अंदर। अगर आपको डर लग रहा है तो आप डरते रहिए क्योंकि ये छोटी मोटी जगह नहीं है, असल में तो साले बिल्ली और मुर्गी भी ना डरते हो इससे अंदर जाने में, बहुत डरावनी जगह है गाइस। YouTube वीडियो में ना जो यूट्यूबर्स होते हैं गाइस ये बहुत हॉरिफिक जगह है गाइस, यहाँ पर रात में आवाजें आती हैं गाइस, असल में ये साले कली तो आए, और आपको पता है गाइस यहाँ पे कोई रहता नहीं है मगर यहाँ पे फिर भी स्विच बोर्ड है, तो बड़े दया ये देख रहे हो दया ये स्विच बोर्ड, ये काफी इंट्रीगिंग सी चीज है गाइस। साल में तो साले सबको पता है यहाँ पे लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मगर दिखाना है। आओ राहुल यादव हाँ अंदर अंदर भाई, लेकिन ऐसा कुछ अजीब ही लग रहा है क्या, सुनोली जाएंगे कुछ भी नहीं, मुझे डर लग रहा है मगर मुझे एक्ट करना है ऐसा कि मुझे डर लग रहा है, हम एक्टिंग मोड पे आ जाते हैं, अब एक्टिंग करेंगे कि हम डर रहे हैं और बहुत ही हॉरिफिक जगह जा रहे हैं, साउंड इफेक्ट वगैरह लगाएंगे भाई, देखे सांप ना मिले बस। एक सीढ़ी तो हमने चढ़ के कंप्लीट कर ली है, यहाँ कुछ भी नहीं मिला है गाइस, हमें कुछ भी नहीं मिला है सचमुच में, मकड़ी का जाला है। ओह माय गॉड, देखो भाई दिल बना हुआ मिला और क्या लिखा है, वो तो लड़की इसीलिए यहाँ से गायब हुई, देखे गाइस मैं सही बोल रहा था। गॉड ये तो सारे ने स्टोरी बना ली, गाइस आप भी देख सकते हैं ये किचन है, इसमें कुछ है ही नहीं आगे, गाइस ये आप देख सकते हैं, So, ये बढ़िया है कुछ यार, ये भी खतरनाक सा रहा है, मतलब दिख रहा है कि हाँ अबे चले क्यों लोग रहते क्यों नहीं है यहाँ पे, आज की चल रही है भाई, अबे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, पहले ये बता, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना तो मारेंगी हमें गवर्नमेंट, इससे अच्छा निकल लेते हैं। कुछ इसी टाइप का होता है वो जो हॉरिफिक ब्लॉक्स जो होते हैं ना, अबैंडन्ड जगह पे जा रहे हैं, खतरनाक है, भूतिया, असल में कुछ रहता नहीं है, ऐसी जगह रहती हैं जो बहुत दिनों से कोई उसमें रहा नहीं है या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोग जाके वहाँ पे जाते हैं, लाखों व्यूज कमाते हैं। ये क्या है गाइस, साले भाई चबियो नहीं लगती, अब मैं आत्मा पकड़ ली इस भाई। रुको साले, आयतल कुर्सी है हम लोगों के कुरान में, वो पढ़ के फूकूंगा तुम्हारा जिन प्रेत आत्मा पता नहीं कहाँ जाएगा साले, झाड़ू से ऐसे ऐसे मार, अबे वो फर्जी है, वो इस बॉलीवुड में सब एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, असली इस्लामिक ऐसा नहीं, इस्लाम में होता है रुकिया करके। फ्रांस यहाँ से निकलने का मैं बहुत हैरान हूँ संजय लव्स यू देख के, और मुझे आज रात नींद नहीं आने वाली है भाई। तरबूज आज इसका पैनाकोटा बनाएगा भाई, इसको खाने का बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्योंकि अंदाज अपना अपना चल, लेकिन एक चीज है भाई इतने टाइम दिखता मस्त है जो भी कहो, हाँ सही लगता है करने से। पेट्रोल डलाने आए थे हम, व्लॉग इज अबाउट लाइफ, अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, नमाज का वक्त, तो अभी मुझे व्लॉग एंड करना पड़ेगा, यहीं पे मैं व्लॉग शायद एंड कर दूंगा, अगर आगे कंटिन्यू करता हूं तो करूंगा, इसलिए चलते हैं अभी फिलहाल। हां